अब आज मेरे पास सिखाने के लिए दो चीजें हैं, पहला तो मैं करंट अफेयर्स में जाऊं और दूसरा जो आपका मैथमेटिकल पोर्शन उसको याद करना सिखा दूं। मेरे पास दो तरीके हैं, आपको अनुसूचियों से डील करना पड़ेगा, आपको डील करना पड़ेगा किससे, आर्टिकल से याद करना पड़ेगा, अमेंडमेंट को याद करना पड़ेगा। सो ये आपके लिए पहला बहुत बड़ा बोझ होगा, इससे आप बच नहीं सकते, ये आपका बेसिक क्वेश्चन और स्टेट एग्जाम दोगे। तो पहला तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए इसको याद करते कैसे, डन। दूसरा तरीका मेरे पास है कि मैं आपको आज किसी एक करंट अफेयर्स टॉपिक पे लेकर जाऊं, तो ये आप मुझे चॉइस बताओगे कि मैं आपको पहले क्या दूं, मैं आपको याद करने का तरीका दूं, क्योंकि पॉलिटी में बम तो गिरता है भाई, बहुत याद रखना। एग्जाम में तो खैर पता नहीं क्या होता है, उस एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद सब कुछ गायब हो जाता है, पता नहीं, याद ही नहीं आता वो कहाँ 151 के साथ जाकर मिलन कर लेता है और हमारी जो है ऐसी तैसी करने के लिए तैयार रहता है। तो पहले क्या चाहिए, उसको याद करने का तरीका। दो तरह की चीजें हैं, थोड़ा बच्चों की तरह, जिनको मैं बता चुका हूं वो जान ले, और एक बार की मेहनत है, ठीक है, उस पर हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे। क्यों केशव, सुनोगे या जाओगे, हैं? तुम्हारा तो काम इस बार बम्पर है, ठीक है, तो तुम्हारा तो एग्जाम सर पे है, तो तुम अगर निकलना चाहो तो निकल लो, ठीक है। करते हैं छोटा सा सेगमेंट और क्लास में लगे हाथ, जो है शशांक सर की क्लास शुरू होने से पहले हम कुछ काम अपना खत्म कर लेते हैं, ठीक है। याद कैसे करते हैं, ठीक है, शशांक तो बताएंगे बताएंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग शेड्यूल की बात करते हैं, ठीक है, जो आपका शेड्यूल्स हैं इस पर बात करते हैं, अनुसूचियां कैसे याद करते हैं। कुछ लोगों को मैंने ये तरीका बताया था और कुछ लोगों के लिए तरीका बिल्कुल नया है, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। तो दो तरीके से होते हैं याद करने का तरीका, इसको आप हिस्ट्री में भी बहुत तरीके से याद कर सकते हो और इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन में और ज्योग्राफी में, ये तीनों जगह आपको बहुत इस्तेमाल करेगा। पहला हमारा होता है पेग सिस्टम, पहले को बोलते हैं पेग सिस्टम, इसके बारे में पहले बता चुका हूं, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं पेग सिस्टम क्या होता है। सो पेग सिस्टम के केस में हम लोग देखते हैं, पेग का मतलब होता है फंसा देना, फंसा देना, पेगिंग। जैसे हैरी लॉरेन का ये सिस्टम होता है और आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा या मेथड्स हैं ये, इसमें होता क्या है कि हम अपने दिमाग को पहले समझते हैं, जो हमारी मेमोरी होती है, याद रखिएगा यहां से आपको कुछ पार्ट ऐसा मिलेगा, हमारी जो मेमोरी होती है वो नंबर को ज्यादा नहीं समझती है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं नंबर को स्किप कर देते हैं, हम केवल और केवल पिक्चर फॉर्म को समझते हैं। तो आप इस समय जैसे एग्जाम हाई टाइम है, हाई टाइम में मैं देख रहा हूं जैसे कई बच्चे जो है साल भर अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है उनकी मेमोरी जो है लॉस्ट होनी शुरू हो गई है। आज ही जैसे सुबह मैंने क्लास में पूछा तो कई लोग जो है वो अभी कल ही पढ़ाई हुई बात आज उनको रिकॉल नहीं हो रही थी, तो अभी तो ये शुरुआत है। या कल जैसे आपको सर ने पढ़ाया तो आप क्या हो रहा था, अभी आप ये याद नहीं कर पा रहे कि कल सर ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए, तो अभी अगर ये हालत है तो फिर आगे बहुत बुरी हालत हो जाएगी। उसका कारण ये है कि आपको अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन रखना नहीं आता, आप जितनी इन्फॉर्मेशन को आप पिक्चर में कन्वर्ट कर दोगे और पिक्चर को कन्वर्ट करके उसको हुकिंग कर दोगे, उतनी ही ज़्यादा लंबे समय तक तुम्हारे दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन टिकेगी। आज मेरे ख्याल से अभी शशांक सर ने आप लोगों को जो है वो शेड्यूल नहीं पढ़ाए होंगे, लेकिन आज मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि भूलोगे नहीं इसके बाद, ठीक है, उसके अंदर क्या है वो पढ़ाएंगे, उसका महत्व क्या है वो पढ़ाएंगे, लेकिन शेड्यूल्स याद करा के आज मैं जाऊँगा, ठीक है, ताकि कल जब वो आए क्लास में तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। चलो, तो सबसे पहली बात है कि आपका दिमाग सिर्फ एक फॉर्म में इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, वो होता है पिक्चर्स, ठीक है, वो जितनी ज़्यादा आप उसको पिक्चोरियल कन्वर्ट करोगे उतने ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट होता चला जाएगा। अच्छा, ये पिक्चर जो होनी चाहिए ये काफ़ी हद तक मूविंग होनी चाहिए, ये कलरफुल होनी चाहिए, 3D के रूप में होनी चाहिए, फनी होनी चाहिए, यानी जितनी हास्यास्पद कार्टूनिक ये जितनी होगी उतनी ज़्यादा देर तक तुम्हारे दिमाग में रिसाइड करेगा। अगर ये तुम्हें कॉमेडी दे रही है, हंसा रही है, तो इसका मतलब है क्या, ये लंबे समय तक क्या होगा तुम्हारे दिमाग में रिसाइड रहेगी। और इस समय हमें जो है वो गेम यही खेलना है, अगला जो भी दिन आपके लिए पीटी के लिए बच रहा है या आप लोग आगे जो फर्दर जाओगे उस समय तुम्हें अपनी मेमोरी को ज़्यादा से ज़्यादा हुक करके रखना है, एग्जाम में वही काम आती है, ठीक है, इनडायरेक्ट मेमोरी। चलो, अब पेगिंग का मतलब होता है हुक कर देना जो पहले से इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे मान लो इसमें हम क्या करते हैं पेग सिस्टम में, पहले नंबर को किस में कन्वर्ट करते हैं, वी कन्वर्ट इनटू पिक्चर्स। थोड़ा सा फनी, बहुत सीरियस होकर मत पढ़ना, सीरियस बच्चों को ज्यादा कुछ मिलना उलना नहीं होता है, थोड़ा सा फनी हो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, अपने आप को रिलैक्स करना सीखो। नंबर वन,
ठीक है, तो नंबर वन को बेसिकली हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, मान लो जैसे यू कन्वर्ट इनटू द हैरी पॉटर की जो छड़ी होती है उसमें आपने कन्वर्ट कर दिया, या जैसे जो आपकी टाई होती है यू कन्वर्ट इनटू द टाई, सिंपली वन कन्वर्टेड इनटू टाई, और टाई ऐसी वैसी नहीं, एक बड़ी फनी सी टाई। तो जैसे बहुत छोटी सी कोई आदमी है, उसके गले मान लो इतनी लंबी टाई लगी हुई है, उसके सीने तक आकर टिकी हुई है, बड़ी सी तोंद है, पिक्चराइज करो थोड़ा सा, यहीं पर एक्सरसाइज करो इसको, ठीक है। या हैरी पॉटर की छड़ी जिसमें तुम आबरा का डाबरा कर सकते हो, मान लो तुम ही हैरी पॉटर हो या जादूगर हो बहुत बड़े, सो कन्वर्ट वन इंटू या तो वॉन्ड और ऐसी वैसी छड़ी नहीं, हैरी पॉटर की छड़ी, ठीक है, या हरमाइनी ग्रेंजर की छड़ी, या ऐसी टाई जो बड़ी ऊट पटांग सी हो, मतलब या तो बहुत लंबी हो या एक आदमी हो जो बार बार उसमें अपनी नाक पोंछ रहा है, ठीक है, तो ये वाली टाई भाई उसकी टपक रही है तो क्या करेगा, कहाँ लेकर जाएगा। तो हम सभी ने स्कूलों में ये सब किया है, ठीक है, तो ऐसा बड़ी बात नहीं है, ये सब तो चलता रहता है, नॉर्मल चीज़ें हैं। दो, अब दो डिजिट जो है वो हमें इसको पैक करना है किसी के साथ। सो दो के केस में या तो हम इसको जो है स्वान हंस के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, या इसको हम स्नेक के रूप में, जैसे सांप अगर बैठा हो किंग कोबरा, सो क्या होता है किंग कोबरा के केस में हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वी कन्वर्ट इनटू स्नेक, ठीक है। ये दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डिजिट आ रही है हम उसको पिक्चर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इस पर तुम, इतना बड़ा हंस है जिस पर तुम बैठ कर जा सकते हो कि इधर उधर तैर कर जा सकते हो, क्लास करने आ रहे हो, ठीक है, इस पर डेली जो है अपना जो है क्लास करने आ रहे हो या जैसा भी है, या इसको जो है इस पर बैठ कर बड़ी दूर तक उड़ सकते हो। तीसरा, थ्री मीन्स एक, जैसे त्रिशूल देखा है ना, त्रिशूल हो गया, तो तीन जो है इक्विवेलेंट त्रिशूल का, तीन हिस्सा होता है, फोर। अब फोर के लिए क्या होता है, चूंकि चार, तो चार इज इक्वल टू, जैसे चेयर होता है ना, चेयर उस तरह हमने चार बना दिया, इट्स इक्वल टू चेयर, चार हो गया, राइट। बहुत इजी है, वन सिंगल स्ट्रोक टाई या वॉन्ड की तरह, टू दैट्स लुक्स लाइक स्नेक और लुक्स लाइक स्वान, ये हमें दिखाई पड़ रहा है, थ्री लुक्स लाइक त्रिशूल। अब आप क्या कर रहे हो, आप हुकिंग कर रहे हो, एग्जाम में गारंटी के साथ दे रहा हूं, एग्जाम में कभी भूलोगे नहीं, मेरे स्टूडेंट ऐसा कर चुके हैं। चार चेयर की तरह हो गया, पांच ये फाइव स्टार होता है, राइट, फाइव स्टार, तो पांच जैसे उसमें कोने होते हैं तो दैट्स लुक्स लाइक अ स्टार। सिक्स, सिक्स क्या होता है, देखे जैसे हाथी की सूंड कभी देखोगे, ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, तो ये क्या होता है, हाथी की सूंड, ये किस तरह दिखाई पड़ती है, छह की तरह दिखाई पड़ती है, इक्विवेलेंट है हाथी की सूंड की तरह। सेवन, जैसे हमने कभी फ्लैग, हमारा जो नेशनल फ्लैग है मान लो उसको तुम जो है फहरा रहे हो, ठीक है, ये सेवन हो गया। एट, वो जो सैंड ग्लास होती है जिसमें ऊपर क्या होता है रेत होती है और क्या होता है नीचे जो है वो गिरती रहती है, जैसे जब विलेन कहता है कि जाओ ये लेकर आओ नहीं तो मैं हीरोइन को मार दूंगा, ठीक है, तो जब तक ये इधर से इधर सैंड नहीं पहुंचेगा तब तक आपका जो है टाइम पूरा होगा, तो ये क्या होगा, आठ, इस तरह सैंड हो गया। या जैसे डमरू, इट इज लाइक एट, सिंबॉलिक हम कर रहे हैं, हम इसको एसोसिएट करते जा रहे हैं अपनी मेमोरी में, ठीक है। नाइन, तो नाइन जैसे क्या होता है, जैसे शार्लॉक होम्स जो सिगार पीता था, या हमारे राष्ट्रपति महोदय प्रणब दा जो पिछले थे वो भी क्या पीते, सिगार पीने के बड़े शौकीन हुआ करते थे, तो वो सिगार पिया करते थे, ठीक है। सो जो आपका ये जो सिगार कह रहा हूँ इसको जो हम लोग बोलते हैं क्या नाम है, जो पाइप होता है दैट इज नोन एज पाइप, या जो कुल्हाड़ी होती है ये भी क्या दिखाई पड़ेगी, लुक्स लाइक नाइन। टेन, टेन के लिए जैसे सचिन की जर्सी का नंबर टेन, या अगर बैट एंड बॉल है, हाँ लोग क्रिकेट खेलने के बहुत शौकीन हो, सो बैट एंड बॉल इज इक्वल टू टेन, सो इजी, ठीक है। तो टेन के लिए, नाइन के लिए हमने क्या यूज़ किया, पाइप को यूज़ किया, जिसमें से मान लो प्रणव दा पाइप पीते थे, अक्सर तुमने उनकी फोटो देखी होगी जब वित्त मंत्री थे, उनकी एक फोटो है उसमें वो पाइप पी रहे हैं, या शार्लॉक होम्स की फोटो देखी होगी वो किस तरह पाइप पी रहा है, या जासूसों को देखा होगा टोपी लगाकर, ठीक है, तो बेसिक जासूसों के जो है ड्रेस ये रहता है। टेन मीन्स बैट एंड बॉल। इलेवन, तो 11 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू मैगी, कभी मैगी को तोड़ के देखना वो क्या होता है, ऐसे दिखाई पड़ती है, दो मैगी इज इक्वल टू 11। मान लो 12 हो गया, सो 12 में क्या होता है, एक बिल्कुल परेशान कंटाला सा आदमी है, हम कहते हैं ना चेहरे 12 बजे यार तुम्हारे, अब जैसे तुम ही हो कि अब मान लो कुछ ढूंढ नहीं, अपना सेंटर नहीं ढूंढ पा रहे हो, ठीक है, या पहुंचे तो पता चला एडमिट कार्ड ही नहीं मिल रहा, किस जेब में रखा हुआ है, तो क्या होगा, तुम्हारा भी जो चेहरे पर क्या बजा होगा, 12 बजा होगा, ठीक है, तो वही वाली हालत होगी।
तो चेहरे पे 12 बज गया तुम्हारे, ठीक है। इसी तरह 13, तो 13 में क्या होता है, 13 बड़ा मनहूस होता है। तो जैसे मान लो बिजली गिर रही है या कुछ, बिल्ली ब्लैक जैसे कहते हैं काली बिल्ली, तो 13 को लोग मनहूस मानते हैं, तो उसके साथ जा सकते हो, लेकिन हम पॉलिटी में यहाँ तक काम चला लेंगे अपना, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक सेगमेंट्स हैं। अब आपने क्या किया, इसको विजुलाइज करो, इसको लिखो नहीं, इसको विजुलाइज करो, विजुलाइज विविड करो। तुम्हारा हाथी भी अजीब तरह का होना चाहिए, बहुत भारी भरकम, या वो जो क्या नाम है बाहुबली वाला हाथी था जो सेकेंड पार्ट में जहाँ से शुरू होती है स्टोरी, उसको रिमाइंड करो, ठीक है। या आइस एज देखा होगा मैमथ, वो वाले हाथी को इमेजिन करो, ठीक है। इसी तरह जैसे 8वां हो गया सैंड ग्लास, 9th हो गया, तो ये सारे को पहले दिमाग में इमेजिन करो, ठीक है, इनका इक्विवेलेंट क्या है। हो गया, सभी ने कर लिया बेसिक। अब चलो देखते हैं हम लोग इसका इमेजिनेशन को यूज कैसे करते हैं। एक बार की इन्वेस्टमेंट है और ये कभी भी नहीं भूलोगे, चाहे मैं तुमसे रेगुलेटिंग एक्ट पूछूं, पिट्स इंडिया पैक्ट, अभी बताता जाऊंगा इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं आज के आज ही, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं शेड्यूल 3 में आ रहा हूं, अब मैंने तुमसे पूछा अनुसूची 3 में विषय क्या है, तुमने उठाई किताब और तुमने जो है वो पढ़ना शुरू किया कि भाई इसमें जो है वो माननीयों को जो है हमारे शपथ से संबंधित है, ओथ से रिलेटेड है। अब बहुत से बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, जो मेरे सामने आते भी बच्चे कह रहे सर मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी है, और मैं उठा के पूछता हूँ अनुसूची में क्या है, 10वीं में क्या है, 8वीं में क्या है, तो वो फिर फंबल करना शुरू कर देते हैं, ऊट पटांग बताते हैं। अगर तुम यहाँ हकला रहे हो तो एग्जाम में तो तुम्हारे निगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम अगर इसको मेमोरी सिस्टम में डाल लें और हम इसको डायरेक्ट याद करने की बजाय इनडायरेक्ट याद करें, एसोसिएट कर दें, तो हमारे दिमाग में बहुत लंबा रहे। जैसे अभी बच्चे जो हैं 3 में क्या बेटा ओथ, क्यों, क्योंकि इन लोगों को मैं ये सिस्टम पढ़ा चुका हूँ। अब इनको क्या है, अभी इन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ी है लेकिन इन्हें अनुसूचियां भूली नहीं, और मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया इसको पढ़ाए हुए, तो आज भी इनको याद है क्योंकि इन्हें वो मेमोरी सिस्टम याद है, इन्होंने बहुत इंजॉय करके सीखा और आज भी मेमोरी सिस्टम उनके दिमाग में है। बस यही हमें चाहिए, एक बार पढ़ो लंबे समय तक याद रहे, इसी को स्मार्ट मेथड्स कहते हैं। या तो तुम हर हफ्ते अपना टाइम निकालो और जो सुबह उठो 4 बजे और ब्रह्म मुहूर्त में उसको घोटना शुरू करो, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। अब जरा देखते हैं तीसरी अनुसूची, 3 मतलब त्रिशूल, ठीक है। अब जरा तुम एक अंदाजा लगाओ, ठीक है, कि भैया एक जैसे नेताजी हैं, अभी रिपोर्ट आई कि भैया अकूत संपत्ति है, कहां से आई, आपराधिक मामले हैं इनके। अब जैसे आपने क्या किया भाई, शपथ दिलानी है, अब एक नेताजी हैं बेचारे, धोती कुर्ता पहने अपना, ठीक है, अब शपथ लेने के लिए पहुंचे, बोला कि तब तक एक घोषणा हुई आकाशवाणी कि भैया इस बार जो है वो कुरान गीता बाइबिल संविधान पर हाथ रखे कसम नहीं दिलाई जाएगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो एक जादुई त्रिशूल आया है, ठीक है, जादुई त्रिशूल पर हाथ रखकर क्या करना है, तुम्हें कसम लेनी है, और जरा भी तुम्हारा अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ, कोई अपराध हुआ, कोई बेईमान हुए, तो ये अंदर है हाथ के, ठीक है। अब ये बात इन तक खबर पहुंच गई नेताजी के पास, अब नेताजी को जो है अंदाजा लगाओ कि भैया धोती कुर्ता पहने हुए, चप्पल उप्पल पहने हुए, अब तुम उनको घसीट के लेके आ रहे हो, 2 मार्शल जो है बोले नेताजी चलिए शपथ लेनी, और नेताजी पता है कि बहुत माल अंदर दबाए पड़े हैं, और ये बात तय है कि त्रिशूल जो है अंदर इनके हाथ में घुसना है घुसना है, जैसे त्रिशूल के ऊपर वो हाथ रख के कसम खाएंगे। अब क्या हुआ, नेताजी लग रहे छटपटाने, अब तुम अंदाजा लगाओ एक नेता ऐसे बैठा हुआ है और तुम उसको खींच कर लिए जा रहे हो, बोले नहीं 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 इस बार नहीं माफ कर दो, हम इस बार शपथ नहीं ले, बोले नेताजी शपथ तो लेनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट की टेस्टिंग आई है, जैसे नार्को टेस्ट होता है वैसे ईमानदारी टेस्ट है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, एक फनी सा पिक्चर आ रहा है, अब नेता जो एक फनी सा कार्टून है वो तुम्हें उसके ऊपर हंसी आ रही है, अब देखो वो रोए जा रहा है, नहीं नहीं जाने दो यार इस बार नहीं, हम सोच रहे हैं सांसदी में क्या रखा, जनसेवक बन जाते हैं, ठीक है, नेता नहीं बनना हमें, और उसे पता है कि ये जो त्रिशूल है वो क्या होगा, अब भैया हाथ में जो है 4-5 छेद 3 छेद तो करके निकलेगा ही निकलेगा। तो अब आप क्या हुआ, आपने ये पूरी पिक्चर को अपने दिमाग में सेट किया, बहुत एक फनी सी पिक्चर आ रही होगी, इसको इमेजिन करो आंख बंद करके, ठीक है, कि उस नेताजी के साथ क्या क्या जो है होने जा रहा है, और बोले भैया क्या करें नेताजी, अब तो इस बार संविधान, बोले नहीं नहीं भैया वो किताब दिलवा दो, उसी के ऊपर हाथ रख के कसम खा रहे थे, पिछली बार की 4 सांसदी हमारी ऐसे निकली थी, 5वीं भी निकलवा देते, ठीक है, हम भी 5-स्टारर हो जाते, बोले नहीं नेताजी इस बार तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर त्रिशूल पे जाएगा, ठीक है, ये भोले बाबा का जो प्रसाद है ले ही लो अब इस बार। तो क्या हुआ, अब जैसे ही 3 आया कि अनुसूची 3 में विषय कौन सा है, तो क्या हुआ, विषय किसका रहा, अभी आग बंद करो, उसको इमेजिन करो, मतलब स्माइल आ जानी चाहिए उस नेताजी की फनी हरकतों पे, धोती छूटे जा रही, चप्पल पीछे निकल गई, ठीक है, नेताजी लगे परेशान गिड़गिड़ा रहे, तुम जो है घसीट घसीट के, तुम ही मार्शल हो, तुम ही लेकर जा रहे हो। सो क्या हुआ, यहां पर जो है 3 किससे संबंधित हुआ, त्रिशूल से। अब क्या करोगे तुम डायरेक्टली 3 को, क्योंकि तुम अपने दिमाग में लंबे समय तक डिजिट को जो है वो प्रिवेल करके नहीं रख सकते, आएगी चली जाएगी, ठीक है, और मैं इसको अभी टेस्ट करा सकता हूं, अभी टेस्ट करा सकता हूं, मैं अभी तुमसे कहूं 6, तो अभी नहीं, जैसे अभी मैंने कहा तुमसे 6, ठीक है, तो 6 को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, ये
अब जैसे ही छह लिखा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया, तुम्हारे कान में पहले या दिमाग में सिक्स की फिगर आई? फिगर आई। तुम्हारा दिमाग सिर्फ फिगर समझता है। अब किसी ने हिंदी मीडियम पढ़ा होगा तो उसके दिमाग में ये आएगा, ठीक है, तो उसके दिमाग में अलग तरीके से आएगा, देखना ध्यान से। और किसी ने अगर रोमन पढ़ा होगा तो इसके दिमाग में ये आएगा। सो क्या होगा, यहां चीजें बदल जाती हैं। वो क्या होता है, सिर्फ पिक्चर एक्यूमुलेट करता है। हमारा दिमाग क्या होता है, अभी मैंने तुमसे कहा तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर आई कि नहीं आई, तो हम सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स को प्रोसेस करते हैं। आप जितनी जल्दी डिजिट्स को पिक्चर्स में प्रोसेस कर दोगे उतनी लंबे समय तक उसको होल्ड कर लोगे। अब एग्जाम में आया तृतीय सूची का संबंध किससे, अनुसूची का संबंध किससे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तीन को आपको दिमाग से पूछना है, तीन मतलब, तो तुम्हें क्या एसोसिएट कर ले जाएगा तुरंत। जितनी फनी तुमने पिक्चर बनाई होगी और जितना पहला इन्वेस्टमेंट अच्छा किया होगा, इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, तुरंत तुम्हारे दिमाग वहीं एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें जो है अपनी कहानी पर एक स्माइल आ जाएगा, और स्माइल आते ही तुम्हें क्या आ जाएगा, अच्छा नेताजी, नेताजी कहाँ, बोले त्रिशूल पर हाथ, तो क्या कर रहे थे, शपथ दिलवाना था उनसे, ठीक है, और मामला उनका खराब हो रखा है। अब इसके साथ तुम चाहो तो इसको नर्चर करके और बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। क्यों बेमानी क्यों भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अकूत संपत्ति है, आपराधिक मामले हैं, इसके अंतर्गत ये मामले लगा, जब थोड़ा सा और जब सीनियर होते हो और जब ज्ञान लेते हो, अब इसको एसोसिएशन कहते हो, तुम चाहो तो पूरी स्ट्रिंग पूरे साल भर की जो भी न्यूज आई है, अब इसको लेकर चुनाव सुधार की जो न्यूज आई है, जो आपने देखा कि जो क्या नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं, वो सब इसी से एसोसिएट कर सकते हो सब के सब। तो आपने शपथ के साथ इसको जोड़ दिया, अब आपको तुरंत एग्जाम में क्या करना है, याद आ गया तीन मतलब शपथ, हो गया ठीक है। तो अब क्या हुआ, वहां टिकी तो मारना है भैया, तुमने कितने घंटे शीर्षासन करके किताब पढ़ी थी, इससे यूपीएससी का कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी में तुम कितने जो है वो आंसर्स राइट पुट करते हो, यूपीएससी की सर्विस से मतलब है कि तुम भैया डेली जो है शीर्षासन लगाओ कि भैया सुबह एक घंटा मैं सुबह हेड स्टैंड करता हूं, शाम को करता हूं, मुझे आईएएस बना दो, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। चलो अब हुआ क्या, चार की बात आ गई, तुमने पढ़ा अनुसूची चार, अब इसमें देखा कि राज्यसभा, अब आजकल देखो कितना बवाल चल रहा है, ठीक है, हो रहा है कि नहीं, सारा बवाल इसी के लिए हो रहा है। राज्यसभा में भी देखा सूचियां आ गई, ठीक है, तो राज्यसभा में सीटों के लिए नामांकन के लिए, तो अब कैसे याद रखो, एग्जाम में भूल जाओगे। तो चार मतलब क्या हुआ, चेयर। अब राज्यसभा में लगा दी कुर्सी, और हो रहा था एक गेम, जैसे क्या होता है कि चेयर ऐसे रख दी और गेम होता है, तो लोग क्या होता है, सारे नेता लोग इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है एक एक कुर्सी कम कर दी जाती है। अब जैसे क्या हुआ कि भाई एक नेता जो थे, जैसे अभी हुआ आपने देखा कि एक नेता आज जो है दूसरी पार्टी में शामिल हो गए क्योंकि उसको उन पार्टी में राज्यसभा की सांसद ही नहीं मिली, यही हुआ ना। अब देखो इसको कैसे चीजों का एसोसिएट कर सकते हो, मेमोरी इज ऑल अबाउट एसोसिएशन, जो मैं करता हूं। अब क्या हुआ कि जैसे ही नेताजी इस पर बैठने जा रहे थे, तुमने कुर्सी खींच ली, नेताजी कुर्सी खींच, बोले अरे राज्यसभा की सीट है भैया बैठ लो, और तब तक पीछे से कुर्सी की आपने निकाल ली। अब नेताजी की चप्पल ऊपर, नेताजी नीचे, ठीक है, क्या हुआ, दैट इज रिलेटेड टू, अभी ये फनी है, इसके पीछे कोई लॉजिक मत ढूंढना कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं गंभीर होकर पढ़ूंगा, पढ़ो, कौन मना कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा तो क्वेश्चन सही होना चाहिए ना। तो अब क्या हुआ, इस पर आप जो है नेताजी जैसे बैठने गए कम हो गया, तो उसमें खेल में क्या होता है, एक एक कुर्सी कम करते जाते हैं, फिर क्या होता है जल्दी जल्दी दौड़ना होता है, जो लास्ट में जो कुर्सी पा जाता है वही जो होता है विजेता होता है। तो यहां राज्यसभा में भी तो ये खेल चल रहा है, तो फोर इज रिलेटेड टू द सीट्स इन अपर हाउस, ऊपर वाले मकान में जो है ये सारा खेल चल रहा है। चलो मान लो छह, लास्ट के लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, छठी अनुसूची को ले लेते हैं, ठीक है, हाँ? तो अब क्या हुआ, छह इज इक्वल टू, अब तुम्हें छह में याद नहीं करना है, छह किससे संबंधित है भाई, हाथी से। अब हाथी कहां पाया जाता है, जंगल में, ठीक है, तो सिक्स छठी अनुसूची में जो ट्राइबल्स के सब्जेक्ट्स हैं भाई, ट्राइबल्स कहां पाए जाते हैं, जंगल में। अब तुमने वो एक याद होगा ना कि मिले दिल मेरा तुम्हारा, एक पहले गाना आया करता था, ठीक है, तो सुर बने हमारा, बड़ा अच्छा गाना हुआ करता था। सो उसमें क्या होता था कि उसमें आपने देखा होगा आदिवासी लोग हाथी पर बैठ के वो डांस वांस कर रहे हैं और वहां पे जो है उस लैंग्वेज में अपना जो गाना गा रहे हैं, सभी भाषाओं में, भारत की सभी भाषाओं में वो गाना हुआ करता था। सो तुम क्या देखोगे, इस हाथी के ऊपर क्या हुआ, ट्राइबल बैठा होता है, हाथी तुम छठे इज इक्वल टू एलिफेंट, और एलिफेंट कहाँ पाया जाता है, जंगल में। जंगल में कौन से लोग निवास करते हैं, भारत के आदिवासी या ट्राइबल। सो छठी अनुसूची किससे संबंधित है, ट्राइबल से संबंधित है, यही ऑप्शन ही दिया हुआ था, इसका संबंध भारत की ट्राइबल से संबंधित है। बहुत ज्यादा डीप जाते नहीं है वो, केवल बस ये देखते हैं कि आप कितना जो है मेमोरी के सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो आठवां हो गया, अब यहां आठवां, अब आठवीं अनुसूची में क्या है, एक तो तरीका है कि तुम सीधे सीधे उसको याद कर डालो, जितनी तेजी से याद करोगे उतनी तेजी से एग्जाम में निकल भी जाएगा। दूसरा तरीका है कि मैं इसको जो है पैक सिस्टम में कन्वर्ट कर लूं,
तो भैया मैंने क्या देखा, आठवें का मतलब हो गया सैंड ग्लास। सैंड ग्लास कैसे काम करता है, ऊपर रेत होती है और धीरे धीरे छन छन के नीचे गिरती है। आपने आठवें में पढ़ा कि ये जो है वो भारतीय भाषाओं को अनुसूची में शामिल करने से संबंधित है, भारतीय भाषाओं को जिनको अनुसूचियों में शामिल किया जा सकता है, जिनको जो है वो महत्व दिया जाता है। तो भारत में तो ढेर सारी बोलियां हैं, ढेर सारे डायलेक्ट्स हैं, हर कोई चाहता है उसकी जो है भाषा को क्या मिले, सम्मान मिले और वो इसके अंदर शामिल हो। लेकिन क्या होता है, केवल छन की कुछ भाषाएं क्या होती हैं, पहुंचती हैं। शुरुआत में कुछ थी, धीरे धीरे हमने उनको और बढ़ाया, ओडिया ओडिया सबको शामिल किया। सो आठवीं अनुसूची किससे संबंध हुई भाई, भारतीय भाषाओं से, इंडियन लैंग्वेजेस, जो क्या हो रही हैं, जो अपनी मान्यता प्राप्त, नीचे कौन सी आ गई, जो मान्यता प्राप्त है। अभी जैसे देखो, जो आपका भोजपुर रीजन है, जो आपका उत्तर भारत का क्षेत्र, वो भोजपुरी को अनुसूची में शामिल कराना चाहता है, ठीक है, उसके लिए कि आंदोलन चला, उसके लिए बातचीत चल रही है। तमाम ऐसे जो दक्षिण भारत के लोग हैं, वो भी क्या करें, अपनी भाषाओं को अनुसूचियों में शामिल कराने के लिए संघर्षरत हैं, ठीक है। भाषाएं तो पहले ही, सबसे पहला ही तनाव का कारण बन जाती हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि भाषाएं जुड़ी होती है हमारी पहचान के साथ। तो क्या होता है, जिनको अनुमोदित किया गया अनुसूची में, वही आप दे सकते हो। इसका संबंध तो तुम्हारे साथ भी है, जब तुम्हारा नोटिफिकेशन आता है तो उसमें होता है ना, आप कौन कौन सी भाषाओं में एग्जाम दे सकते हो जो कि अनुसूचियों में शामिल है, उसी में आप क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। अगर कल को भोजपुरी शामिल कर दी जाएगी तो आप उसमें बच्चा क्या हो सकता है, भोजपुरी में भी एग्जाम दे सकता है, मान्यता प्राप्त हो गई। लेकिन अगर जिनको जिनको शामिल है, जैसे पंजाबी उड़िया किसी में, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो और कोई भी सरकारी संस्था आपको एग्जाम देने से रोक नहीं सकती है। अगर मराठी है उसमें शेड्यूल, तो आप मराठी में एग्जाम दोगे, उनका अब सर दर्द है कि वो एग्जामिनर, क्वेश्चन पेपर, अनुवादक वो ले आके देंगे आपको, क्योंकि ये क्या हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो राइट में आ गया, अब आप दे सकते हो। बिल्कुल, बोले भैया मेरे देश की अनुसूची में शामिल है तो मैं क्या करूंगा, भाषाओं में शामिल है, मैं इसमें एग्जाम दे सकता हूं, आप मुझे रोक ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते, ठीक है। तो ये इसकी खासियत होती है। तो आठवां किससे संबंध है, भारतीय भाषा से। ऐसे ही तुम लोगों को बताया था, जैसे मान लो दस, अब दस तुमने देखा कि एंटी डिफेमेशन लॉ जो है, यानी दल बदल कानून, इसके विषय में है। अब कैसे याद करोगे, जैसे ये 2016 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है पीटी का। तो अब आपने देखा कि आप जो है बैठे हुए हैं हाउस में, संसद में, तो वहाँ देख रहे हैं कि नेता इधर से उधर, उधर से उधर, हम इस पार्टी में नहीं, हम उस पार्टी में, ठीक है। अब आपको लगी गुस्सा और आप अभी क्रिकेट खेल के आए थे, तो 10 इक्वल टू क्या हो गया, बैट एंड बॉल, ठीक है, बैट एंड बॉल हो गया। अरे यार, इस देश का क्या हो रखा है, नेताओं का कुछ पता नहीं चलता, आज इस पार्टी में उस पार्टी में, आपने उठाया बैट और लगे सबको दौड़ाने, बोले सर अब तुम एक ही जगह बैठोगे, और जो जहाँ मिल रहा है गिरा गिरा के, दह भदर 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 जो है एकदम, और बैट भी कैसा, मम्मी का जो कपड़ा धोने वाला होता है वो और अच्छा रहता है, ठीक है, उसे चूंकि उसका हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है, ठीक है, जब मम्मी कपड़े धोने से जो है थक जाती थी तो लगे हाथ दो चार बैट हम भी पा जाते थे, वो बोलती थी कहाँ कपड़े उतार के धुले, पहने पहने धो देते, ठीक है। तो उस तरह का एक बैट जो है, मुगरी बोलते थे उसको, अब सोचो कि थोड़ा फनी हो गया, ठीक है। अब वो जो है वो लिए तुम टहल रहे हो और दे धनाधन जो जहाँ मिल रहा है उसको, बोले बहुत तुम लोग का जो है वो नंबर दो का इधर उधर चल रहा है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, चुन के भेजे तुम्हें इस पार्टी से, तुम पहुँच गए उस पार्टी में, बहुत पैसे का खेल चल रहा है, अब ले लो बेटा हमसे, ठीक है। सो दस, और वो माई दादा चिल्ला रहे, प्रभु बहुत आप पीट लेते हो यार, मत मारा करो, ठीक है। तो यह ऐसे भी देख सकते हो कि सचिन तेंदुलकर ही जो है बैट बॉल लिए घूम रहे सबके पीछे पीछे, आई ला मारा लूंगा तुझे, ठीक है, तू बहुत बेमानी कर रहा है। अब क्या हुआ, दीज आर द फनी थिंग्स, बट अब क्या हुआ, ये आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म सेट, एग्जाम में भूलोगे नहीं इस बात की मैं गारंटी देने को तैयार हूँ, अब नहीं भूलोगे, क्योंकि इसको बहुत दिमाग में डीपली लेकर जाओ इसको, ठीक है, वो फनी चीजें याद करो। सो दस किससे संबंधित है, दल बदल कानून। अब जैसे शेड्यूल 11 पूछा गया है एग्जाम में, सो 11 किसका इक्विवेलेंट है, मैगी का। अब मैगी एड देखा जो एनालिसिस किया करो, अब वहां पे क्या हो रहा है, एक प्रचार आया करता था मैगी का, ठीक है, जब तक बैन नहीं हुई थी तब तक जो है मैगी का, उसमें क्या होता है, अमिताभ बच्चन जो थे वो एकदम सरपंच की भूमिका में पगड़ी वगड़ी लगाए गांव के चौपाल पर बैठे हुए और कह रहे हैं 5 रुपए में छोटा मैगी, हाँ ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो छोटू मैगी जो है 5 रुपए में बेच रहे थे वो, ठीक है, और वो किस भूमिका में थे, वो सरपंच की भूमिका में थे, वो जो है वो ग्राम प्रधान की भूमिका में थे। यानी जब आप किताब पढ़ोगे तो 11 जो है वो किसके साथ संबंधित है, 11 जो है वो हमारी ग्राम पंचायतों के साथ संबंधित है। इसमें कौन सा सब्जेक्ट आता है, जो आपकी ग्राम पंचायतें होती हैं, ठीक है, इसके साथ पंचायतों का सब्जेक्ट आता है। सो 11 इज रिलेटेड टू द पंचायत, ठीक है। सो इसके बारे में और जो है वो सर के साथ नॉलेज लोगे, लेकिन इसको याद करने का तरीका बता दो, एग्जाम में भूलोगे नहीं, क्योंकि अब अमिताभ बच्चन को याद कर लो, ठीक है, वो कैसे जो धोती कुर्ता पगड़ी साफा बांधे हुए और 5 रुपए में छोटा मैगी आए, तो भैया अब क्या है, तो भैया हमें भी खिला दो 5 रुपए में छोटा मैगी। सो 11 इज रिलेटेड, 11 किससे संबंधित है, मैगी, और दैट इज नोन एज पंचायत।
ऐसे 12, तो 12 12 का मतलब क्या हुआ, एकदम कंटाला परेशान एकदम थकेला आदमी है भारतीय सेगमेंट में, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल कंटाला, अब क्या हुआ जैसे एक सीरियल आता था, ठीक है, तो बेचारा मुस्कुरा कहाँ पाएगा 12 में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक सीरियल आता था ऑफिस ऑफिस, तो उसमें पंकज कपूर बेचारा जो था वो एक ऑफिस में काम कराने जाता था, ठीक है, हाँ मुसद्दीलाल जो भी है। अब उसमें एक शुक्ला जी पांडे जी और सभी लोग तरफ हुआ करते थे, ठीक है। तो उसको क्या होता है, उसकी फाइल में यहाँ जाइए वहाँ जाइए वहाँ जाइए वहाँ जाइए, तो बेचारा अपने म्यूनसिपल ऑफिस जाता तो उसका कोई काम नहीं हो पाता था, बड़ा परेशान रहता था। सो 12 इज रिलेटेड टू एक कंटाला परेशान आदमी, चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, ठीक है। और इसका सीधा संबंध कहाँ हुआ, भाई आप अपने जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जा रहे हो, अपने जो नगर पालिका में जा रहे हो, सो वहां पर आप भी क्या है, आप भी वही मुसद्दी लाल की तरह क्या है, बहुत परेशान हो, आपका कोई काम नहीं हो रहा, पानी का बिल, तो बोले अरे पहले पांडे जी को 2 समोसा खिलाओ, शुक्ला जी जब तक पान नहीं खा लेंगे तब तक काम, यही होता था ना उसमें, समोसा पान के चक्कर में बेचारे दिन भर परेशान रहते थे। सो 12 इज रिलेटेड टू किससे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका। शेड्यूल्स रेडी, अब जब शशांक सर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी तो हम यहां डील कर लें। तो अगर मैं जिससे पूछूं बिना कॉपी में देखे, याद है एक बार इसको मेंटली रिवाइज करो। अब इसको तुम कई तरीके से, मैं तुम लोगों को लगता होगा जैसे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, मैं एक्चुअली ऐसे ही चीजों को एसोसिएट कर देता हूं, मैं जो भी पढ़ता हूं ऐसे उठाता हूं एक जगह पैक करता रहता हूं। अगर मुझे आज ओथ पढ़ना है नेताओं से, मैं जितनी खबरें आई हैं मैं सारी की सारी तुम्हें तुम्हारे सामने एक से लगातार बोल सकता हूं। ये हुक है, ये हमारे मेमोरी का सिद्धांत होता है, मेमोरी में कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं टिकती है, सिंपल सा सिद्धांत है। कपड़े भी टांगने तो हमें खूंटी चाहिए होती है, तो तुम्हें अगर अपने दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक रखनी है तो तुम्हें खूंटी लगानी ही पड़ेगी। तो ये खूंटी है, पेग, पेग का मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो जैसे मैं तुमसे पूछूं बिना कॉपी देखे बताओ बेटा, ठीक है, छठे शेड्यूल में क्या होगा, उसको बोलने दो, ठीक है, ट्राइबल्स का, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो तुम्हारी आज पहली क्लास है, आठवें शेड्यूल में क्या होना चाहिए, क्यों, ऐसे नहीं, पूरी बात बोलो, आठवां इक्विवेलेंट किसका, जितनी बार बोलोगे याद आएगा तुम्हें, किससे किस, आठवां इक्विवेलेंट किसका है, इंडियन, आठवां किससे रिलेटेड है, सैंड ग्लास से, उस रेत की घड़ी से, या डमरू से, मतलब डमरू, जैसे डमरू कैसे होता है, आप इसको और फनी कर सकते हो कि क्या हुआ, जैसे डुक 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 बजाते आता तो बंदर नाचता है, ठीक है। तो हमारे पास कई भाषाएं, हम बोलते हैं, हम सभी चाहते हैं हम अनुसूचियों में शामिल हो जाए, लेकिन क्या होता है, सरकार डबरू बजाते आती है और बंदर उतरने आते, भैया हमारी भी कर लो अंदर यार, क्या टेंशन है, तो और थोड़ा फनी कर लो कि वी ऑल आर द मंकीज, ठीक है, बंदर बंदरियों की तरह हम घूम रहे हैं, बोले हम यार ये बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, बोले पहले नाच के दिखाओ, ठीक है, तो वही वाला जो है, पहले नाच के दिखाओ, तो हम भी सरकार की बातें मानते हैं, ये दूसरे तरीके से कर सकते हो, मेक इट फनी, मेक इट फनी, जितना इमेजिनेशन विविड और फनी होगी उतना लंबे समय तक टिकेगी। चलो अब जिससे पूछूं वो बताए, तुम्हारी भी पहली अभी शुरुआती क्लास है, दसवां बताओ, दसवां संबंधित किससे है, अपने जिसको दिमाग वो लॉन्ग टर्म उपयोग करेगा। मेमोरी इतनी खूबसूरत सिस्टम होता है कि अगर उसमें क्या होता है ना, मेमोरी में स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग में मतलब मैंने ढेर सारे ऐसे, मान लो ये 10 कुर्सियां हैं और 10 कुर्सियों को मैंने एक रस्सी से बांध दिया, तो मैं पहली वाली को खींचूंगा तो बाकी अपने आप क्या हो जाएंगी, विज्ञान के नियम अपने आप आ जाएंगी। तुम लोग क्या करते हो, मेमोरी को पैरेलली डाल देते हो, ये वाली इंफॉर्मेशन ज्योग्राफी वाले खाने में, ये वाली इकोनॉमिक्स वाले खाने में, और फिर कुछ नहीं खिंचता है तुम्हारा, ठीक है, चीजों को स्ट्रिंग कर दो, एक दूसरे से बांध दो। अब तुम चाहो तो घर पर प्रैक्टिस करके इसमें बहुत अच्छी चीजें कर सकते हो, जो भी अभी चल रहा है दल, अभी आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम इस तरह की चीजें आ रही हैं, हॉर्स ट्रेडिंग पे बैन लगा दिया गया हमारे यहाँ, उसके संबंधित तमाम जो है वो सेगमेंट्स हैं, सबको इसी के साथ क्या करो, जोड़ दो, ये छोटी छोटी चीजें बनकर यूपीएससी में जाती हैं। और चलो तुम बताओ 11वें में, तो किससे संबंधित है, गुड, हो गया मेरा काम। चलो तुम बताओ बेटा 12वां, हो गया खत्म, हो गया ही, बहुत बड़े देर तुम लोग जो परेशान थे, जाकर अभी मैं अगर यूपीएससी पीटी का क्वेश्चन करा दूं तो 5 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए, हर साल एक क्वेश्चन जो है लगभग शेड्यूल से आता ही आता है, बेसिक है, ठीक है। अब इसमें तुम जो भी इसमें इनपुट डालना चाहो, अब जैसे मेंस के लिए इसका यूज कैसे करोगे, आप मेंस में नोट्स बनाते हो, बहुत गंभीर उसमें हमें बात होती है, क्योंकि वहां पर हमें 2 घंटे 40 मिनट मिलते हैं और 2 घंटे 40 मिनट में एवरेज 3,500 से 5,000 वर्ड हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी आपको 150 वर्ड अटेम्प्ट करने के लिए एवरेज 6 मिनट मिलता है, बहुत तेजी से आपको लिखना होता है। अच्छा क्वेश्चन क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप करते हैं बहुत तेजी से, अभी ये क्वेश्चन तुम जो है किसी और सब्जेक्ट का कर रहे हो, तुरंत तब तक दूसरा सब्जेक्ट किसी और का आ जाएगा, तो तुम्हें क्या होता है अपनी मेमोरी को फ्लिप फ्लॉप करना होता है तेजी से,
अचानक से तुम सोशल इशू से ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी से हिस्ट्री में, हिस्ट्री से फिर जो महिलाओं के मुद्दे में भागोगे, फिर वहाँ दिव्यांगों के मुद्दे में भागोगे, तो सबका डायमेंशन आपका अलग अलग होगा। तो जो आप घर में नोट्स बनाते हो तो उसमें क्या होता है, एग्जाम में जो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ उसमें क्या होता है, जब आपने नोट्स बनाए हैं आपको पता है कि इसका ये जवाब होगा, लेकिन वो आपको वहाँ याद नहीं आता है, वो याद नहीं आता तो उसकी वजह से आपको एक दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है, आप सर पर हाथ के बैठे हो क्योंकि लालच ये होती है कि ये मैंने पढ़ा है, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आपका मेमोरी उसको क्या करा, खींच के बाहर निकला। अब क्या होता है, ये सांप सचुंदर वाली स्थिति हो जाती है, ना तो तुम उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ पाते हो क्योंकि लालच ये है कि अभी याद आ जाएगा और अभी मैं इसके दोनों पॉइंट लिख दूंगा, और ना तुम उसको छोड़ पाते हो, ठीक है, और ना उसको लिख पाते हो। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे टिक 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 घड़ी बज रही है ना, वैसे वैसे तुम्हारा अगले क्वेश्चन का टाइम खत्म हो जाता है। घर पे आप काम करिए, जैसे आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, घर पे आप मेहनत से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उसको लीनियर नोट्स बनाने की बजाय उसको पैगिंग कर दीजिए, ठीक है, पॉइंट वन कि हैरी पॉटर हो गया या सेगमेंट हो गया, उसके साथ वो वाले पॉइंट रखिए जो इसके साथ एसोसिएट, ये आपकी कहानी होगी। टू पे हम जानते हैं स्वान है या सांप है, तो इस तरह के पॉइंट रख दीजिए। थ्री पे त्रिशूल है, तो इस तरह के पॉइंट रखिए। इसमें क्या होगा, आप जब एग्जाम में जाओगे तो आप इसको ट्विस्ट करके वो उसको इन्फॉर्मेशन को, आपको वो याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको केवल इमेजिनेशन, तीन मतलब त्रिशूल, त्रिशूल से मैंने क्या चीज़ जोड़ा था जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो खींचकर वो क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। कुल मिलाकर मैं बार बार कहता हूँ, यूपीएससी में दुनिया जो है वो केवल परिणाम देखती है, प्रयास नहीं। आपने रातें जगकर पढ़ी थी, आप बहुत त्याग करके पढ़ाई करते हो, अब बिस्तर पर नहीं सोते, कुशा पर सोते हो, ठीक है, सन्यासी हो, ठीक है, साध्वी हो, कोई टेंशन नहीं है, बट अगर परिणाम नहीं आया तो दुनिया कहेगी एक नंबर का, ठीक है, और परिणाम आ गया तो दुनिया तुम्हारे पीछे। सो मेरी इस बात को याद रखना, कैसे भी हमें सक्सेस लेकर आना।